हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो गूगल शीट की है। खास क्या है गूगल शीट में, देखिए अगर आपको कॉलम को डिलीट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। देखिए बहुत आसान है, आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ ई। जैसे ही ऑल्ट के साथ ई प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहां पर जाइए, आपको रो डिलीट करना है कि कॉलम डिलीट करना है, ठीक है। ये देख लीजिए, डिलीट कॉलम डी, कॉलम डी को डिलीट करना है क्योंकि कर्सर वहीं पे है तो कॉलम डी दे रहा है, ठीक है। इस कर्सर को अगर मैं यहां लेके चला जाऊं और फिर ऑल्ट के साथ ई प्रेस करूंगा तो यहां देखिए आ रहा है ऑल्ट डिलीट कॉलम ई। तो कॉलम को डिलीट करना और रो नंबर, और रो नंबर देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर रख देते हैं तो रो नंबर 3 है ना, तो मान लीजिए कि इसको डिलीट करना है तब क्या करेंगे, तो फिर प्रेस कीजिए ऑल्ट ई और देखेंगे कि नीचे रो नंबर 3 आ रहा है। तो काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 3 पे ही तो हमारा कर्सर है, तो इसको डिलीट करना है तो यहां नीचे आ जाइए, नेविगेशन की का प्रयोग करते हुए और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए 3 नंबर डिलीट हो गया, बीच में से एक टेक गायब है, कंट्रोल जेड प्रेस करके दिखा रहा हूं। देखिए माउस वाला गायब हो गया था, पहले ऐसा था, देखिए डिलीट होने के बाद, और डिलीट होने के पहले ऐसा था। ये देखिए, ये देखिए कंट्रोल जेड करके दिखाता हूं। देखिए तो ये जो है डिलीट करने की शॉर्टकट की थी। आई होप कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।